हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अन्वेषण। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस पेडागोजी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपेरिमेंटेशन का क्या इफ़ेक्ट होता है लर्निंग पे और किस किस तरीके से बच्चे लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू सीखते हैं। ओके, इसकी कुछ एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे और कुछ प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और ये सीरीज़ है ईवीएस की, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन यानी प्रयोग, ठीक है। जब बच्चा या फिर कोई भी बड़ा, हम ये कह सकते हैं किसी भी एज ग्रुप का पर्सन, जब वो एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू कोई चीज़ सीखता है तो वो कहते हैं उसे एवर लास्टिंग होती है। और हम ये कह सकते हैं कि इंट्री केसेस जो होती हैं किसकी, एनवायरमेंटल स्टडीज़ की, यानी जो जटिलताएं होती हैं पर्यावरण में, उनको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है क्या एक्सपेरिमेंटेशन, या फिर हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल वर्क। अब आगे है इसमें, अगर हम इसको देखें तो एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू हम किसी भी डिफ़िकल्ट टास्क को इजी पार्ट्स में, यानी उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और जिससे हम उसे इजीली ग्रेस्प कर सकते हैं, इजीली हम उसे समझ सकते हैं। ओके, अब जैसे कि बच्चों को हम कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह बनाने को देते हैं, या फिर हम उनसे ये कह देते हैं कि बेटा कि आपको ये काम करना है और इसमें ये चीज़ लग सकती है, तो आप ये चीज़ करके देखिए कि क्या क्या चेंजेस होंगे। ओके, तो वो अपने हिसाब से ही उन चीज़ों को अरेंज करेगा, चीज़ों को और कर करके सीखेगा, मतलब एक चीज़ के लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू वो सीखेगा। ओके, जिस पे आज के टाइम पे जो लर्निंग है, और हम कह सकते हैं कि करिकुलम जो है वो कम्प्लीटली बेस्ड है किस पे, एक्सपेरिमेंटेशन यानी लर्निंग बाय डूइंग पे। अब जैसे कि मैथ्स की कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए एबेकस का डिस्कवरी हुई, ठीक है, एबेकस की क्या हुई, इन्वेंशन हुई। अब जिससे जो है थोड़ा चेंजेस कर करके अब जो कैलकुलेटर्स आ गए, तो ये जो है क्या होता है, एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद ही ये चीज़ें बनती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेरिमेंट किया जाए तो वो पहली बार में ही सफल हो जाए, तो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंस में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से एक्सपेरिमेंटेशन जो है ज़रूरी होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल वर्क बच्चों के लिए बहुत सारा क्या होता है, ज़रूरी होता है। अब सबसे पहला पॉइंट है इसमें, हेल्प्स इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। अब ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे, अगर किसी बच्चे को तुम एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू लर्निंग कराओगे तो वो इंगेज्ड रहेगा पूरी तरीके से, मतलब वो उसमें फिज़िकली भी इंगेज्ड रहेगा और मेंटली भी इंगेज्ड रहेगा, जिससे उसका क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा, यानी उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। इन ऑर्डर टू टीच चाइल्ड यूनिटी एक्सपेरिमेंट्स हेल्प्स अ लॉट, टीचर कैन डिवाइड द क्लास इंटू ग्रुप्स, देन असाइन ईच ग्रुप पर्टिकुलर टास्क टू परफॉर्म, देन अमंग ग्रुप असाइन अ पर्टिकुलर टास्क टू बी परफॉर्म बाई स्टूडेंट्स। बाय दिस मेथड स्टूडेंट्स डेवलप द स्पिरिट टू वर्क टुगेदर एंड यूनिटी एंड वर्क टूवर्ड्स टू अचीव द गोल ऑफ द टास्क असाइन एंड स्ट्राइव टू कम्प्लीट विद इन द टाइम फ्रेम। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, जब भी हम बच्चे को प्रोजेक्ट वर्क वगैरह के थ्रू हम पढ़ाते हैं, या फिर प्रैक्टिकल वर्क के थ्रू हम उसे पढ़ाते हैं, तो हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी पता चल जाते हैं कि कौन सा बच्चा किस काम को ज़्यादा अच्छे से कर सकता है, ठीक है, और कौन सा नहीं कर सकता। तो फिर उसी बेसिस पे ग्रुप बनाए जाते हैं जिससे हर एक बच्चा उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को सीख सके। अब उसको सीखेगा, और सबसे मेन चीज़ वो ग्रुप में किस तरीके से काम करेगा, ठीक है, मतलब किस तरीके से कोऑपरेट करेगा एक दूसरे के साथ में, तो ये चीज़ भी डेवलप होती है, और स्पिरिट डेवलप होती है उसमें बच्चे को अंदर कि वो किस तरीके से इंगेज रहेगा अपने पीयर ग्रुप के साथ में।
और सबसे मेन चीज़ उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता ही है, क्योंकि वो फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से उसके साथ में इंगेज रहता है। अब सेकंड इसमें हेल्प्स अ चाइल्ड टू गेट एक्सपोजर टू रियल लाइफ एक्सपीरियंस। रियल लाइफ एक्सपीरियंस से मतलब इसमें ये है कि अगर हम किसी बच्चे को पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट या फिर प्रैक्टिकल वर्क प्रोवाइड कराते हैं, तो वो क्या करेगा, अपने आसपास की चीज़ें, उसे जो भी चीज़ें दिखेंगी उनको अरेंज करके उस काम को करने की कोशिश करेगा। तो क्या है, रियल लाइफ से ही तो रिलेटेड है। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, अगर आप किसी बच्चे को कहो कि बेटा एक जो सीड है आप उसे स्प्राउट करके दिखाओ, ठीक है, स्प्राउट को, पल्सेस को स्प्राउट करके दिखाओ। स्प्राउट मतलब जैसे कि अगर हम किसी भी चने या फिर दाल वगैरह को भिगो देते हैं और कुछ टाइम तक उसे नमी में रखते हैं तो वो थोड़ा सा स्प्राउटिंग देने लग जाता है, मतलब वो थोड़ा सा उपजना शुरू हो जाता है। तो जब तुम बच्चों से ये कहोगे तो उसमें वो काफ़ी चीज़ें सीखेगा, ओके, मतलब एक तो इंगेज्ड रहेगा, ऑब्ज़र्व करेगा चीज़ों को, कैसे कैसे जो सीड है पर्टिकुलर पल्स का सीड है वो किस किस तरीके से चेंज कर रहा है। तो एक ये चीज़ होती है, ओके, किसकी, इम्पोर्टेंस एक्सपेरिमेंटेशन की। अब थर्ड पॉइंट है इसमें, प्रैक्टिकल वर्क हेल्प्स द चाइल्ड टू गेट नो अबाउट देयर सराउंडिंग, अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब नेक्स्ट है, हेल्प्स इन डेवलपिंग द सेल्फ कॉन्फिडेंस इन देम। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे, अगर आप बच्चे को डंडे से हाँक कर ही उसे पढ़ाते रहोगे और उसे अपने अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं करने दोगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कराओगे, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाएगा, डरा डरा सहमा सहमा सा रहेगा वो। अगर आप उसे इसके बजाय एक्सपेरिमेंटेशन करके सिखाना चाहते हो और उसे जो है अवसर प्रदान करके सिखाना चाहते हो कि वो अपने आप चीज़ों को सीखे, तो उससे क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। When they are asked to work in a group, then they have no fear of getting fail. जब बच्चा स्पेशली ग्रुप में काम करता है तो उसके फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि उसे अपने पीयर ग्रुप का पूरी तरीके से साथ मिलने लग जाता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं जिससे जो है पर्टिकुलर जो एक्टिविटी बच्चों को दी जाती है वो कंप्लीट कर लेते हैं, ओके? अब जो फिफ्थ जो इम्पोर्टेंस है इसकी वो ये है कि हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग मतलब ये कि जब भी हम कोई भी न्यू चीज़ डेवलप करते हैं या फिर कोई भी पर्टिकुलर प्रैक्टिकल वर्क करते हैं या फिर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, तो हमें उसके बारे में जो प्रॉपर जो प्रोसेस है वो नहीं बताई जाती, हमें सिर्फ उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, फिर चीज़ों को अरेंज करना पड़ता है, फिर लॉजिक लगा लगा के उस पज़ल को, इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटेशन वर्क को सॉल्व करना पड़ता है। इससे क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग बच्चे की डेवलप होती है, ओके? अब नेक्स्ट है इसमें, एडवांटेजेस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। अब एडवांटेजेस मतलब कुछ विशेषताएँ होती हैं इसकी, वो क्या होती हैं देखते हैं। हेल्प्स इन बिल्डिंग ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट, रिलेशनशिप द सराउंडिंग, मतलब उससे बच्चे में क्या क्या विकसित होता है, किससे, एक्सपेरिमेंटेशन से। एक तो ट्रस्ट डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटरेस्ट मतलब स्पिरिट डेवलप होगी बच्चे के अंदर, वो चीज़ों को और अच्छे से करेगा जब वो मेनली जब वो ग्रुप में कोई टास्क करता है तो, और रिलेशनशिप द सराउंडिंग, और अपने आजू बाजू के लोगों के साथ में वो रिलेशनशिप, गुड रिलेशनशिप को डेवलप करता है, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, कल्चर, अपने क्लासमेट्स के साथ, क्लास फ्रेंड्स के साथ, पीयर ग्रुप के साथ, ओके? अब नेक्स्ट इसमें, हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। अब उसमें जो कॉन्फिडेंस की स्पिरिट डेवलप होती है, मतलब वो आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करने लगता है खुद को, और कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती हैं, जिस ये क्यों होती हैं, क्योंकि वो ग्रुप में काम कर रहा है, एक पर्टिकुलर जो टीचर है गाइड करने वाला होगा, किसको, ग्रुप को गाइड करेगा, वो उसको डिक्टेट नहीं करेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डिक्टेटरशिप शो नहीं करनी है यहाँ पे, किसमें, एक्सपेरिमेंटेशन वर्क में, उनको बच्चों को फ्री छोड़ना है। अगर उन्हें पर्टिकुलर टास्क में प्रॉब्लम आती है तो आप उन्हें
वहाँ हेल्प करेंगे, ओके। और कम्युनिकेशन स्किल इसलिए डेवलप होगी क्योंकि वो अपने पीयर ग्रुप के साथ कम्युनिकेट करेगा कि चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाए, तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन स्किल बच्चे की इम्प्रूव होंगी और डेवलप भी होंगी। अब नेक्स्ट इसमें हेल्प्स इन द क्लैरिटी ऑफ द सब्जेक्ट टॉट थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। अब जो भी सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन मेथड को मेथड के थ्रू बताया जाता है तो उस सब्जेक्ट की क्लैरिटी डेवलप हो जाती है, मतलब वो सब्जेक्ट जो है एकदम क्लियरली बच्चे को समझ में आ जाता है। वो कहते हैं ना कि करके सीखने से चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। हेल्प्स इन द बिल्डिंग नॉलेज पूल एज प्रैक्टिकल वर्क इज परफॉर्म फॉर ईच टॉपिक इज दैट शेप कैन बी taught थ्रू bringing materials from outside and then filling them in an object like sand, cement, fill in a cone to let the student know about the area, perimeter concept। तो बेसिकली बच्चा जो है प्रैक्टिकल वर्क के थ्रू एक नॉलेज पूल को डेवलप कर लेता है। कैसे, अगर हम किसी बच्चे को पर्टिकुलर शेप्स के बारे में पढ़ाते हैं तो अच्छा यही होता है कि उसकी 3D शेप, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो भी चीज़ हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को दिखाया जाए, जिससे जो है वो नॉलेज पूल को डेवलप कर सके, कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सके, ओके। अब आगे है इसमें हेल्प्स इन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। क्वालिटेटिव यानी क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, गुड क्वालिटीज़, गुड कॉन्सेंट्रेशन, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी, मतलब जो क्वालिटी यानी उसके गुणात्मक जो विकास होगा वो होगा, और क्वांटिटेटिव यानी उसकी जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट को हम कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे, और एकेडमिक्स मार्क्स, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू एडवांटेजेस शो करती हैं। अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं इसके, किसके, एक्सपेरिमेंटेशन के, तो पूछ लेता है एग्ज़ाम्स में, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ टीम वर्क। टीम वर्क मतलब जब भी ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करके कोई पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटेशन या फिर प्रैक्टिकल वर्क किया जाता है वो। अब प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी, जब भी एक्सपेरिमेंटेशन क्वालिटी वर्क बेस्ड होता है, यानी उसमें गुड क्वालिटी यानी अच्छे तरीके से वो पर्टिकुलर टास्क किया जा रहा है वो। और प्रिंसिपल ऑफ इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, जो वर्क है वो कैसा होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए, ओके। या फिर हम कह सकते हैं वो वैलिड होना चाहिए, प्रभावकारी होना चाहिए। अब नेक्स्ट इसमें जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब फिफ्थ प्रिंसिपल है इसमें प्रिंसिपल ऑफ वर्क रिलेटेड एक्टिविटी, वर्क रिलेटेड एक्टिविटी यानी कार्य संबंधित एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो। अब आगे आता है इसमें इंसाइट इनटू एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिकल वर्क। अब बेसिकली जो दूरदृष्टि क्या होती है प्रैक्टिकल वर्क करने की, अब प्रैक्टिकल वर्क करने का सबसे इम्पोर्टेंस तो यही होता है कि बच्चा जब करके सीखेगा यानी खेल खेल में सीखेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। अगर वो इस तरीके से नहीं सीख रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, अनफ्रूटफुल हो जाएगा और प्रोडक्टिव नहीं होगा, तो उसका ऐसी लर्निंग का तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, मतलब कोई बच्चा सीख ही नहीं रहा है तो फिर ऐसी आप लर्निंग क्यों करा रहे हो, ओके। इसी वजह से एक्सपेरिमेंटेशन या फिर हम ये कहेंगे कि प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू बच्चों को लर्निंग कराई जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंस ये होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये कैसा होता है, फ्रूटफुल होता है, बच्चे इससे सीखते ही हैं, ओके। अपने आसपास की चीज़ों के साथ वो इंटरेक्ट करके। अब कुछ मतलब हमारे हिस्ट्री में भी और कुछ एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड दिए हैं किसके सीखने के, जैसे कि हमारा प्लेवे मेथड है, ठीक है, खेल खेल में सीखना, जो कि दिया गया था हमारे किसने दिया था, फ्रॉबेल ने, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। अब प्लेवे मेथड में क्या है, बच्चा खेल खेल में सीखेगा, उससे क्या है, उसका फिज़िकल डेवलपमेंट भी होगा, उसका मेंटल डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है, उसका क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा और उसके अंदर क्रिएटिव आइडियाज़ डेवलप होंगे, ठीक है, क्रिएटिव आइडियाज़ जनरेट होंगे उसके अंदर। प्लेवे मेथड रिलेट्स द एक्सपेरिमेंट विद लाइफ ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट्स
एज इट कंसिडर्स स्कूल एज अ सेकेंड होम टू द चाइल्ड. अब प्ले वे मेथड के थ्रू अगर बच्चे को सिखाया जाता है तो सबसे पहले तो ये है कि उसको लाइफ ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू लर्निंग कराई जाए, मतलब वो जीवन में रोज़मर्रा के इस जीवन में जो भी चीज़ें देखता है उनको साथ इंटरेक्ट करके उस बच्चे को सिखाया जाए. और स्कूल कैसा होता है, बच्चे का सेकंड होम कहा जाता है. ओके, एस प्ले वे मेथड सजेस्ट द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन कैन बी फुलफिल्ड एंड इंक्रीज्ड बाय अ प्रैक्टिकल वर्क. अब नेक्स्ट है इसमें, प्रैक्टिकल वर्क हेल्प्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन द चिल्ड्रन एंड द टीचर्स. अब जो गैप आ जाता है किसके बीच में, चिल्ड्रन और टीचर के बीच में, उसको बांधने के रूप में काम करता है, यानी उनके बीच में पुल बनाने का काम करता है क्या, प्रैक्टिकल वर्क. क्योंकि जब बच्चे को आप एक्टिविटीज़ के थ्रू यानी एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू पढ़ाएंगे तो बच्चा क्या है कि वो आपसे इंटरेक्ट होगा, वो आपसे पूछेगा कि मैम इस काम को कैसे करें. आप अगर वो बच्चा गलत कर रहा है तो आप उसे बताएंगे कि आपने ये ऐसे किया, ऐसे करिए, ठीक है. तो वो जो कम्युनिकेशन गैप है और थिंकिंग का जो गैप है वो ख़त्म हुआ. अब नेक्स्ट है इसमें, प्रैक्टिकल वर्क हेल्प्स टू एनहांस द मेमोरी ऑफ द चाइल्ड. अब लर्निंग बाय डूइंग या फिर प्रैक्टिकल वर्क जो है वो बच्चे की क्या है, मेमोरी इन्हांस करता है. अगर बच्चे को रटने पे जोर दिया जाएगा तो वो नहीं सीखेगा, आज याद है कल भूल जाएगा. लेकिन वो जब एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू सीखता है तो वो चीज़ उसे मतलब एवर लास्टिंग रहती है, उसे कभी उस चीज़ को वो भूलता नहीं है. अब नेक्स्ट है इसमें, प्रैक्टिकल वर्क प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू ऑल चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट इन प्रोजेक्ट देयर इननेट एबिलिटीज एंड टैलेंट. अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब कोई भी बच्चा उसे प्रैक्टिकल वर्क करते टाइम पे अगर आप उसे पूरी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करा करके उसे वो लर्निंग करा रहे हैं, पर्टिकुलर वर्क करा रहे हैं, तो उसके अंदर इननेट एबिलिटीज़ और टैलेंट जो है वो डेवलप होगा, मतलब जो उसके अंदर प्रतिभाएँ छुपी हुई होंगी. क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, किसी बच्चे का किसी में इंटरेस्ट होता है और किसी बच्चे का किसी में, अलग अलग चीज़ें होती हैं. किसी बच्चे को अगर आप प्रैक्टिकल वर्क कराओगे तो कोई बच्चा है कि साइंस के पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा, हो सकता है कोई बच्चा आर्ट्स को अच्छे से रिप्रेजेंट करे. तो उससे क्या है, जो है इननेट एबिलिटीज़ होंगी वो बच्चे की डेवलप होंगी. अब देखते हैं कि टीचर के क्या क्या रोल हो सकते हैं, किस में, एक्सपेरिमेंटेशन में और प्रैक्टिकल वर्क में. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये इसकी, किसकी, एक्सपेरिमेंटेशन की. एक टीचर के बिना या फिर ये कहेंगे कि हम जो है किसी भी बच्चे को एक मेंटर के बिना हम उसे वो पर्टिकुलर वर्क नहीं करा सकते. तो देखते हैं, द रोल ऑफ द टीचर प्लेज अ मेजर रोल टू मेक एक्सपेरिमेंटेशन अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट. द टीचर हैज़ टू प्लान द इनिशियल स्टेज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन प्रैक्टिकल वर्क कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ द चिल्ड्रन एंड टू जनरेट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन सो दैट चिल्ड्रन ऑल्सो कंट्रीब्यूट रिलीजियसली इन टू एक्सपेरिमेंट्स एंड हेल्प्स इन मेकिंग इट सक्सेसफुल. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि उस टीचर को उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटेशन की, उस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल वर्क की इनिशियल स्टेजेस को फ्रेम करना आना चाहिए और उसे उसके बारे में पता होना चाहिए. ओके, इसी वजह से जो है हर एक बच्चा उसके साथ में इंटरेस्ट को जनरेट कर पाएगा और जो है उस पर्टिकुलर टास्क को सक्सेसफुल बना पाएगा. अब नेक्स्ट है इसमें, द टीचर शुड यूज़ प्रॉपर मेजर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ एवरी चाइल्ड एंड एक्ट अकॉर्डिंगली इन द क्लासरूम. तो एक टीचर को सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हर एक बच्चे की नीड्स को फुलफिल करे पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट्स कराते टाइम पे. ओके, और बच्चे के साथ में इंटरेक्ट करके उन बच्चों के अकॉर्डिंग बिहेव करे, मतलब एज अ डिक्टेटर बिहेव ना करे, एज अ फ्रेंड उनके साथ बिहेव करे, जिससे वो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर पाएँ और पॉजिटिव रिजल्ट्स शो कर पाएँ.
अब नेक्स्ट है इसमें, द टीचर शुड इट्सेल्फ हैज़ अ वास्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट ऑन विच प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन टू बी परफॉर्म। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि उस टीचर को खुद तो नॉलेज हो वो जो पर्टिकुलर टास्क बच्चों को कराने जा रहा है, या फिर ये कहें कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो पढ़ाने जा रहा है वो बच्चे, वो टीचर को खुद तो आना चाहिए, तभी तो वो बच्चे को पढ़ाएगा। पता चला कि टीचर को खुद तो आता नहीं है, बच्चे को पढ़ा रहा है, बच्चे बेचारे कंफ्यूज। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि टीचर को वास्ट नॉलेज हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, जिससे वो एक्सपेरिमेंटेशन या फिर प्रैक्टिकल वर्क रिलेटेड है। द टीचर शुड बी फैमिलियर विद द टूल्स एंड टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स टू बी यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी टूल्स उसमें यूज़ होने जा रहे हैं वो टीचर को सबसे पहले पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर टूल का क्या क्या यूज़ होता है, जिससे वो बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स में बता सके कि आप इस टूल का यहाँ यूज़ करिए, आप इसका यहाँ यूज़ करिए और इस तरीके से यूज़ करिए। ओके, द टीचर शुड प्ले एन एक्टिव रोल एट ऑल स्टेजेस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड शुड इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स टू मेंटेन देयर इंटरेस्ट एंड आउट इन द एक्सपेरिमेंट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक्टिव रोल प्ले होना चाहिए, किसका, टीचर का। मतलब वो डायरेक्टली इन्वॉल्व तो ना हो बच्चों की, बच्चे जब एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हों, लेकिन एक्टिव रोल होना चाहिए, बच्चों का ध्यान रखे वो कि किस किस बच्चे किस किस तरीके से बच्चे काम को कर रहे हैं, अगर उन्हें किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो वो उन्हें सॉल्व कराए। ठीक है, ओके, तो आपकी इस वीडियो में बस इतना ही था। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।